उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा का एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय पिछले दो दिनों से खासा चर्चाओं में है। आवासीय विद्यालय में छात्राओं की ड्रेस नाप के नाम पर दर्जियों द्वारा छेड़छाड़ के मामले में अभिभावकों, छात्राओं और थारू समाज के नेताओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी दर्जियों की इस दौरान चप्पलों से पिटाई कर दी। पुलिस छेड़छाड़ के तीन आरोपियों सहित कॉलेज के तीन अध्यापकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार खटीमा के एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय में कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्राओं के ड्रेस की नाप लेने के लिए खटीमा के सिद्धार्थ हौजरी फार्म से दर्जी बुलाए गए थे। आरोप है कि दर्जियों ने छात्राओं से छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्राओं ने कॉलेज के अध्यापकों को मामले के बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद अभिभावकों ने कॉलेज में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर विधायक भुवन कापड़ी और थारू जनजाति समाज के प्रमुख नेता भी मौके पर पहुंच गए। विधायक कापड़ी ने मामले में जनजाति डायरेक्टर से फोन वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। जनजाति समाज के लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छेड़छाड़ के तीनों आरोपी दर्जियों और उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले कॉलेज के उप प्राचार्य सहित तीन शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ जाँच उपरांत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।